मैच हो रही हो तो मन खुशी तो बहुत है, लेकिन अपने जोधपुर का छोरो होता तो आनंद और ही अलग होता मैच रो भी। आप तो रणजी लेवल की बात करो, इंडिया लेवल में भी राजनीतिक कारण बतावे। अब बार रो लेटेस्ट आप देखियो तो संजू सैमसन ने एक मैच खिलार बारह काट दियो। बिल्कुल साहब, दर्द घनी हुए। जो तुम मैच हो रही हो तो खेलना, मैं भी देखना आया कि देख रवि विष्णु खेले और देख गया। अब और 30 करोड़ की लागत लगी, मने तो कोई लागे कौन 30 करोड़ है। देखो धूड़ो पड़ियो माथा। देखो रवि ने बारे बेटा देखता तो आज हैंगरो जोधपुर वासी और जीत दुख रही है और उम्मीद है कि जोधपुर में मैच है तो रवि ने तो खिलाना चाहिए। तो एशिया कप में अर्शदीप के छोड़ियो, रवि ने बार काट दिया। बताओ पाकिस्तान में रवि का ही गलती, वो तो दो विकेट लिया लाई। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। खम्मागणी नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। जोधपुर रे इतिहास रे महीने 32 सालों रे बाद रणजी ट्रॉफी रो शानदार आगाज हुयो और क्रिकेट प्रेमियर वास्ते बड़ी खुशखबरी है। जोधपुर में जटों बरगतुल्ला खान स्टेडियम रो जीर्णोद्धार करायो। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी रा जिको योगदान है वो अमूल्य है और हकीकत में बड़े दिनों रे बाद में इन बरगतुल्ला खान स्टेडियम रे महीने मैच हो रियो है और 17 तारीख ने जिको मैच हुयो रणजी ट्रॉफी रो शानदार आगाज हुयो और आने वाले टाइम में T20 है, वनडे है या इंटरनेशनल मैच रो भी जिन तरीके BCCI रा मानक हो स्टेडियम फॉलो करे उन तरीके मैच रो भी आयोजन हुएला। तो 17 तारीख ने जिको मैच हुयो एक अपने जोधपुरी धरती में जीव तो जागतो उदाहरण रवि विश्नोई और हकीकत में बहुत ही संघर्ष करियो और एक मुकाम माते पहुँचियो। लेकिन 17 तारीख ने जिको मैच हुए उन मैच रे महीने रवि विश्नोई ने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी तो उनो कई कारण है। सोशल मीडिया में काफ़ी विवाद और महीने रियो और 18 जोधपुर का क्रिकेट प्रेमी हूँ जाननी चाहूँगा आखिर कई कारण है कि प्लेइंग 11 में रवि विश्नोई ने जगह नहीं दी और जोधपुर का क्रिकेट प्रेमी इन बारे में कई कहवे। BCCI मानकोर आधार मते इन स्टेडियम ने जिको जीर्णोद्धार करायो और अब है जी का मैच रो आयोजन हो रही है। लेकिन इन मैच में एक तरीके हूँ खुशी रो माहौल है जोधपुर का क्रिकेट प्रेमियों ने और एक तरीके हूँ दुख रो गम रो भी माहौल है क्योंकि रवि विश्नोई जिको जोधपुर आवे और एक बहुत ही शानदार संघर्ष रही एक अनूठी कहानी और एक मुकाम मत हासिल करियो और उन बाद में प्लेइंग 11 में रवि विश्नोई ने जगह नहीं दी है तो जोधपुर क्रिकेट प्रेमियों ने कटी एक दुख भी है। तो भी हूँ जाननी चाहूँगा कि आखिर कई कारण है और मेरी कई इच्छा है। तो हुकम राम राम आपने। राम राम सर। राम राम। तो रवि विश्नोई ने है जी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है, कई कारण हो सके आखिर? सब प्लेइंग 11 में नहीं देने जगह रो कारण तो अब टीम प्रबंधन ही बतावे। बाकी मैच हो रही हो तो मने खुशी तो बहुत है, लेकिन अपने जोधपुर रो छोरो होता तो आनंद और ही अलग होता मैच रो भी। अटे आ भीड़ और दुगुनी चौगुनी होती और थोड़ो घणो मन में लागी उड़ी है कि भाई मारो जोधपुर रो टावर नहीं खेलियो है, थोड़ो सो जी में दोरो लागियो। बिल्कुल, इना कई कारण बतावे कि भाई राजनीतिक कारण है, हकीकत बात है कि राजनीतिक कारण हो सके? साहब सुनने में तो आवे है कि मतलब आप तो रणजी लेवल की बात करो, इंडिया लेवल में भी राजनीतिक कारण बतावे। अब बार रो लेटेस्ट आप देखियो तो संजू सैमसन ने एक मैच खिलार बारह काट दियो, वो भी होना चाहिए। तो रवि नो डाउट अच्छो खिलाड़ी है, टीम इंडिया हर जगह माते लेन भी जावे दौरे माते, लेकिन मौको उन्हें भी उठे नहीं मिल रही है। तो एक बार छोरे ने मौको दे मोर जोधपुर वाले रवि विष्णु ने तो मौके माते चौको नहीं वो छक्को मारेला। बिल्कुल, रवि विष्णु ये जी को लेग स्पिनर है और काफ़ी आप नाम रोशन करियो। आपने कहीं लगे कि रवि विष्णोई रो संघर्ष वास्ते में आप एक तरीके मुकाम मत पहुंचियो और उन बाद में जगह देवनी चीज थी? बिल्कुल देवनी चीज थी और उन्हें खिलाना चीज थे, जोधपुर में नहीं खेले तो कोई मतलब ही नहीं। आप रे घरे भी नहीं खेले तो दूसरी जगह उम्मीद ही कहीं विस्टोर तो आप उम्मीद ही कहीं कर सको इन वास्ते मोहरत कारण हो जाए वो खेलना चाहिए थे आज चीज़ को। बिल्कुल, और भी हमारे साथ है क्रिकेट प्रेमी, आप रो कहीं कहना है कि रवि विश्नोई ने जगह देवनी चाहिए? बिल्कुल देवनी चाहिए। काफी सोशल मीडिया माते उठा पटक चल रही है, और भी है हमारे साथ है क्रिकेट प्रेमी भी हूँ जाननी चाहूंगा कि कई कारण है। हुकम राम राम आपने। राम राम। तो आपने कहीं लगे कि रवि विश्नोई ने प्लेइंग 11 में जी को जगह देवनी उन्होंने कई कारण है कि देवनी चाहिए या नहीं देवनी चाहिए? बिल्कुल देवनी चाहिए, जोधपुर मैच हो रही है तो रवि विश्नोई बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन पीछे कोई राजनीति की कोई वजह नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है। बिल्कुल, आप रो मानना है कि टीम मैनेजमेंट रो काम है, लेकिन अपनी जोधपुरी धरती है और उन अटू है जिको वो सितारो उपजीड़ो है
तो कठिन कठिन एक दर्द तो वही है। बिल्कुल साहब, दर्द घनी है। जो तू मैच हो रही हो तो खेलना, मैं भी देखना आया कि देख रवि विष्णु ही खेले और देखे, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट का काम है, इसमें कोई राजनीति का कोई। बिल्कुल, और भी है हमारे साथ कम कटू पधारे आप अटी जोधपुर से। जोधपुर तो आप है जी को आज वो मैच देख रिया हो तो आपने कहीं लागे रवि विश्नोई खास खेल तो बढ़िया रहा तो सर। अटेर लोकल प्लेयर है, अटेर मोटो ओड बंदो है, यहाँ पर बीच में ओडो है, खिलाड़ो चाहिए, अट मैनेजमेंट की गलती है कहीं ना कहीं। तो ये इस पिच को रवि विष्णु अच्छी तरीके से जानता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर खेल के बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर गलती है मैनेजमेंट की। रवि को खेलना चाहिए थे इस मैच में। जी को बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, अटे क्रिकेट प्रेमी मिल गया तो रवि विश्नोई साहब सामने खड़ा है बिल्कुल, और कल रे मैच में जी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है, इनो कई कारण हो सके? देखो रवि ने बारे बेटा देखता आज हैंगे जोधपुर वासी और जी दुख रही है, और उम्मीद है कि जोधपुर में मैच है तो रवि ने तो खिलाना चाहिए, तो राजनीतिक कारण रहे सब इन्हें खिला नहीं रहा, आज चीज थोड़ी कितनी अच्छी नहीं। आप घर में ही ना अगर मैच नहीं खिलावे तो दूसरी जगह तक उम्मीद कर सकते हैं। वही तो, और राजनीतिक कारण ही है इनमें बताया जा रहा है, और अब बता रही है कि अगले मैच में चांस मिलेगा। बाकी सब जितने भी क्रिकेट प्रेमी है इनवासी आया है कि भाई रवि को देखने का एक बार मौका मिले। बिल्कुल, तो आपने कहीं लाग रही हो कि रवि है जी को वास्तव में संघर्ष करियो है? संघर्ष करियो है सर, जोरदार करियो है। भाई गांव रो छोरो है, खेत में खेलियो है, दूड़ेर में रमियो है, उन बाद में सही जाते यार, ना इंसाफ भी हो रही रवि साथ है यार, राजनीति लेन आ रही हर बात में तो। बिल्कुल यार, आई अपन एशिया कप में अर्शदीप के छोड़ियो, रवि ने बार काट दिया, बताओ पाकिस्तान में रवीर का ही गलती, वो तो दो विकेट लिया लाई, यूं थोड़ी रहे यार, बार काट दियो गांव रे छोरा ने। बिल्कुल, आप है जी को अटे देखने सिर्फ रवि ने आया हो? रवि ने देखना आया ऐसा। अब और 30 करोड़ की लागत लगी, मने तो कोई लागे कौन 30 करोड़ अटे, देखो धूड़ो पड़ियो मत देखो बेटा कटे, अब तो खुद ओचो यार, रवि ने देखना है मास, रवि ने देखूं दे। मने मिल गया रवि जी रे जी का मामा रे बेटा भाई, हुकम कई नाम आप रो? भजनलाल गोदारा। भजनलाल जी, रवि जी ने कल मैच रे में खिलाया कोनी, प्लेइंग 11 री जगह दी कोनी, तो इनो कई कारण हो सके? ओ तो चयन करता कोई ध्यान है, अपन कई ध्यान है, तो आप रो कई मानना है खेलना चाहिए? खेलना चाहिए भाई, आप घर में तो उम्मीद करोगे यार, आप हमारे खेड़े में तो खेला है, कम से कम कर सके आप नहीं करें और उम्मीद कौन करी, तो इन लेने आपरे मन में भी दुख दर्द भेलाई दुख कल्डो है कई बताऊं कान तो टारगेट हो पूरे गांव में बजे बस है जी की भरन लेना हूं स्टेडियम बैठा हूं, देखो आज मारो भाई खेल रियो है, तो उन बारे में कई कहना है कि वास्तव में खिलाना चाहिए? खिलाना जरूरी हो, नहीं खेले तो अपन की कर नहीं सकानी, अपन हाथ में तो खिला ही देता। अच्छा, तो स्टार्टिंग में संघर्ष करियो आप रे आंखियार आ गई, तो किन तरीके से संघर्ष करियो वाला थोड़ा संघर्ष के बारे में भी बताओ आप। संघर्ष तो घणो ही करियो मैं आंखी आगे गई। बिल्कुल, तो मामा रा बेटा भाई साहब रे जी की दर्द री कहानी है, आप हम ही है, और आज को मैच चल रही है आप देख ही रिया हो, और इनमें अगर रवि विश्नोई ने प्लेइंग 11 में जगह देती तो और भी काफ़ी वो स्टेडियम खचाखच भरी जाओ, तो और हकीकत में आ बात है कि आप रे खेत में ही नहीं खिलावे तो पचे दूसरी जगह खिलावने मतलब ही कहीं है, ये और लोगों को कहना है कि अगर खिला दी हो तो मारे गाँव में ही लोगों ने बूढ़ियों ने हैंगों ने लेने आओ तो और बस भरन देखा तो देखो मारो बेटो किकर खेले, मारो भाई किकर खेले, तो आप रे मन में कई विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइजो, और झलको जोधपुर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी हो वह तो कर भी लीजिए, रहा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।